नमस्ते दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द छतरी लाल। आज हम लोग एक और एग्जाम सेंटर जा रहे हैं और ये बैरकपुर नॉर्थ 24 परगना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम होगा आने वाले कुछ दिनों में। एयरफोर्स का भी एग्जाम वहाँ पर होने वाला है, तो आज हम लोग सोचे उसी के बारे में हम लोग आपको बता दिया जाए। तो आज हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग अभी बोट पर बैठे हुए हैं। हम लोग के घर के पास में एक घाट है, वहाँ से फेरी घाट में नौका पार होकर बैरकपुर जाया जाता है। वहाँ बैरकपुर जाने के बाद आप लोग को बताएंगे कि कैसे वहाँ से आप लोग जाइएगा और हावड़ा या सियालदह से आने समय कैसे आइएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। पिछला बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स तो राजस्थान से भी आए थे, उनसे बात हुआ तो उन लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वो लोग हमसे एड्रेस पूछ रहे थे। तो इसीलिए सोचे कि आज हम लोग इसके ऊपर बना देते ताकि आप लोग को आने वाले सभी एग्ज़ाम में जब आइएगा तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नौका चालू होगा, फिर उसके बाद गंगा पार करके आप लोग को बताते हैं आगे क्या। तो गाइस, हम लोग नौका पार करके आ चुके हैं बैरकपुर के फेरी घाट में। तो अगर जैसा कि एक आपको बता देता, अगर आप बैंडल रूट से आते हैं या बर्दवान से, मतलब बैंडल से बर्दवान के बीच में कहीं से भी अगर आप आते हैं तो आप ट्रेन पकड़ के श्रीरामपुर स्टेशन उतरिए। श्रीरामपुर स्टेशन उतरने के बाद वहाँ पर टोटो से बोलिएगा कि धोबी घाट जाना, तो वो लोग धोबी घाट आपको पहुँचा देगा जहाँ से हम लोग अभी क्रॉस हुए हैं। वहाँ से आकर के नौका पार करिएगा, 6 रुपया भाड़ा लेता है नौका का, और यहाँ बैरकपुर फेरी घाट में उतर जाइएगा। यहाँ से उतरने के बाद देखिए, आप पीछे ऑटो स्टैंड भी है, ऑटो पकड़ लेने का जरूरत नहीं। अब चलिए सीधा रास्ते में आपको दिखा देता है, रास्ते में सीधा जाइएगा। मेन रोड पर उठने के बाद बस पकड़िएगा वहाँ से, और कौन सा बस जाता है वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, निकले सीधा आइएगा, राइट टर्न लीजिएगा। राइट टर्न लेके इस रास्ते में आइएगा, थोड़ा सीधा देखिए सामने में लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा। लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप मेन रोड पर आ जाइएगा, वहाँ पर बस स्टैंड है, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए हम लोगों ने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न लेकर आप सीधा जाइएगा, तो सीधा जाने के बाद आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। और वैसे तो आपको पता ही होगा बैरकपुर का इतिहास, यहीं से शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति, जो हमारे भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति है, जहां पर मंगल पांडे ने गोली चलाया था। और ये बैरकपुर कैंटोनमेंट जोन है, मतलब एक प्रोटेक्टेड एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, पूरा आर्मी कैंप यहीं पर है, इसलिए कैंटोनमेंट जोन है। और यहाँ पे भर्ती भी होता है इंडियन आर्मी का, तो उसके लिए भी आपको हम लोग बता देंगे आप लोग यहाँ पे कैसे आएगा, उसके लिए एक वीडियो आपको दे दिया जाएगा बैरकपुर एआरओ का जो होता है रैली। में यहाँ पर रैली होने वाला है, डेट वैसे तो आ चुका है, रजिस्ट्रेशन हो ही रहा था, और अगले मंथ में शायद है रैली होने वाला, तो उसके बारे में बता देंगे आप लोग। अगर जो बंगाल के हमारे जो दोस्त है, बंगाल का हुगली, 24 परगना, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, ये सभी का जो इस मतलब बच्चे लोग हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं मेन रोड में, हम लोग यहाँ से आए थे और सीधा निकलने पर देखिए वहाँ पर भी बस स्टैंड है और यहाँ पर भी बस स्टैंड, हम लोग इसी बस स्टैंड पर रहेंगे। वहाँ से बस आएगा, जैसा कि वीडियो में बताया मैंने कि ये देखिए यहाँ से बस आएगा बौरो कंथालिया मोड़ जाने के लिए। तो जैसे कि आप श्रीरामपुर बर्दवान बैंडल रूट से जो मैंने बोला कि आप आता है तो बैरकपुर मतलब उतर जाइए, फेरी घाट आ जाइए, फेरी घाट आने के बाद बाहर निकल जाइएगा। और यहाँ से देखिए आपके स्क्रीन पर बसेस का नंबर शो कर रहा होगा, कौन कौन सा बस जाता है बौरो कंथालिया मोड़, और बौरो कंथालिया मोड़ से उतर के कुछ दूर पैदल चल के सेंटर है, तो आपको वो देखिए लिस्ट शो कर रहा होगा, आप उसमें देख लीजिए कौन कौन सा बस है। और तो चलिए आप बस आता है तो हम लोग देखते कितना भाड़ा लगता है, भाड़ा भी आप लोग को बता दिया जाएगा, वेट करते हैं। गाइस हम लोग अभी फिलहाल बैरकपुर स्टेशन पहुंच गए हैं, बैरकपुर स्टेशन, ठीक है ना, बैरकपुर स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ये है बैरकपुर स्टेशन। तो आप लोग यहां पर अगर आप सियालदह से आते हैं या राणा घाट, कृष्णा नगर, किसी भी रूट से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग बैरकपुर उतर जाइएगा। बैरकपुर स्टेशन उतरने के बाद आप लोग यहां से चल के दिखा देते हैं, पास में ऑटो स्टैंड है, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहां से आपको हम ऑटो भी जहां से जाता है ये दिखा देते हैं, और मोड़ पे जो वहाँ से आपको क्या बोलते हैं बस मिलेगा जहाँ से, वो भी चल के दिखा देते हैं कि कहाँ से बस पकड़िएगा, सब कुछ दिखा देते हैं। तो पीछे में देखिए देखिए ऑटो स्टैंड है यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ से ऑटो मिल जाएगा आपको, और 12 रुपया भाड़ा लेगा, आपको रोड पर उतार देगा,
और वहाँ से आपको एग्ज़ाम सेंटर जाने के लिए 10 रुपया और लगता है, और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे 30 रुपया लेता है जो पूरा आपको एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ देगा। ऑटो से आप यहाँ से उतर कर जाते हैं स्टेशन से बाहर निकल कर। तो देखिए यहाँ से बाहर निकलते हैं इस तरह से, और इधर ये ऑटो स्टैंड है, ये यहाँ से आपको मिलेगा जाने के लिए। तो अब हम चलते हैं वहाँ से जहाँ से आपको क्या बोलते हैं बस मिलेगा, वो भी एक बार दिखा देते हैं। बस स्टैंड वहाँ सामने से पकड़िएगा, चल के वो भी दिखा देते हैं। तो आप लोग इधर से स्टेशन से बाहर निकलिए, ठीक है ना, और बाहर निकलने के बाद आपको चल के हम दिखा देते हैं कहाँ से आपको यहाँ से बस मिल जाएगा, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इधर से आप लोग बाहर निकलिएगा, देखिए चार माथा मोड़ है, ठीक है ना, ये चार माथा मोड़ है। तो हम लोग ये चार माथा मोड़ के ठीक पीछे वाला साइड में वहाँ से आपको बस मिल जाएगा, वो जगह पे जाके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए उधर से जो बस आ रहा है, ठीक है ना, तो वो बस आया यहाँ पर रुकता है, देखिए ऑटो भी लगा हुआ इस जगह पे वहाँ रुकेगा। आप लोग वहाँ से रीजेंट कॉलेज बोलिएगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर के सामने रोड पर उतार देगा लोग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से बस पकड़ कर अब एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। गाइस हम लोग बड़ो कांथालिया मोड़ उतर चुके हैं। यहाँ पर उतरने के बाद जब आप उतरिएगा तो आपको रास्ते के ऊपर स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, और रुकिए हम बैक कैमरा से आपको दिखा दे रहे हैं। तो गाइस देखिए हम लोग यहाँ से बस आया था, और यहाँ जब बड़ो कांथालिया मोड़ बोलिएगा तो आपको उतार देगा। आप देखिए यहाँ पर रीजेंट स्कूल भी बोल सकते हैं, देखिए रास्ते के ऊपर ही स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, रीजेंट एडुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, और उसके नीचे से जो रास्ता जाता है उसके अंदर हम लोग जाएंगे सीधा, और देखेंगे कि कितना समय लगता है जाने में वहाँ पर। तो चलिए हम लोग पैदल जाते हैं यहाँ से, और कितना समय लगता है क्या लगता है वो भी आपको बताते हैं, और रास्ते को भी दिखाते चलते हैं। देखिए मेरा दोस्त वहाँ पर खड़ा हुआ, तो चलिए चलो। देखिए गाइस यहाँ पर देखिए गेट से अंदर आइएगा तो यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, ऑटो भी यहाँ पर से जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सीधा जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पूछा तो बोला कि 10-15 मिनट लगेगा, तो चलिए चलते हैं ऑटो स्टैंड से। अगर आपको लेट होगा तो आप ऑटो भी पकड़ जा सकते हैं, सीधा रास्ता है। देखिए आप थोड़ा दूर पैदल आइएगा तो रास्ते में तालाब पड़ता है, ये आपके तालाब लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा तालाब है, बस नहाइएगा नहीं क्योंकि गंदा रहता है बहुत, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी है, देख लीजिए रास्ता भटकिएगा तो सब याद आएगा। यहाँ पर बजरंग बली का मंदिर है, शायद बन रहा अभी बना नहीं। यहाँ से देखिए अमूल के किस्ट्रो है, सीधा आइएगा बहुत। देखिए दोस्तों ये जो व्हाइट कलर का बड़ा सा बिल्डिंग है, ये वाला कॉलेज है आप लोग का, एग्ज़ाम सेंटर यही है। चलिए इसका मेन गेट में जाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों ये रिसर्च एडुकेशन एंड रीजेंट एडुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, यहीं से आप लोग एंटर करिएगा, मेन गेट यहीं पर है, हम लोग यहाँ से आए थे। और आप लोग अगर यहाँ से आते तो यहाँ रास्ता जाता है रुइया पूर्व पर चल जाता है, और थोड़ा दूर जितना दूर पैदल चल के आए उसे और थोड़ा दूर चलना होगा, और यहाँ पर AC 10 आपको उतारेगा। यह है रीजेंट स्कूल, यहीं पर आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है एयरफोर्स का कुछ दिन बाद। तो हाय गाइस, जैसे कि हमने आपका ये कॉलेज है सब कुछ बता दिया, आप लोग यहाँ पर कैसे पहुँचिएगा, और यहाँ पर जितने गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होता है वो यहाँ पर पढ़ता है, चाहे FCAT हो, एयरफोर्स का हो, चाहे SSC हो, NTPC हो, रेलवे ग्रुप डी हो, जितने एग्ज़ाम भारत में होता है सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम यहाँ पर इस एग्ज़ाम सेंटर पर पढ़ता है। तो हमने आपको बताया कि आप लोग बर्दवान के रूट या हावड़ा से या सियालदा से कहीं से भी आप लोग आ रहे हैं, किसी तरह से आप लोग आते हैं, या किसी अन्य राज्य से अगर आते हैं जैसे कि आप बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, यहाँ से बहुत से लड़के यहाँ पर आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप लोग कैसे आइएगा सब कुछ हमने दिखा दिया, बता दिया कैसे आइएगा, और जो हमसे छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।